खबर का रुख करेंगे दंतेवाड़ा से। इस वक्त मिल रही है दंतेवाड़ा में धुर नक्सल प्रभावी बुलगुम गांव के धान से भरे कोठार में आग लगा दी गई है। चार कोठारों में सैकड़ों क्विंटल धान रखा हुआ था जो जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने डीआरजी के जवानों पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। गश्त पर जाने के दौरान आगजनी का आरोप है। एसपी ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। तो बुलगुम क्षेत्र की पूरी घटना बताई जाती है। चार कोठारों में यह आग लगाई गई है। ग्रामीणों ने डीआरजी के जो जवान हैं, जो गश्त पर निकले हुए थे, पेट्रोलिंग पर निकले हुए थे, उन पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। एसपी ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पंकज सिंह भदौरिया जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, आरोपों में कितनी सच्चाई? ये सारी घटना दंतेवाड़ा के अरनपुर थाना क्षेत्र के बुरगुम गांव की बताई जा रही है। बुरगुम गांव में गैदापारा में खोदिया नाम का किसान है, उसी के कोठार पे आग लगी है। चार कोठार थे, इसमें लगभग 200-250 बोरा धान था, जिस पर ये आरोप लगाए कि डीआरजी के जवानों ने गश्त के दौरान ये आग लगाई है। और सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोड़ी जेल बंदी रिहाई मंच के 5 सदस्यों के साथ कल वहां पर पहुंची हुई थी ग्राउंड में। उन्होंने वहां पर ग्रामीणों से बात की, तब ग्रामीणों को जाकर के ये आरोप लगाए। हमने सारे मामले को लेकर दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव से भी बात की थी। अभिषेक पल्लव, तो क्या जवानों के प्रति उकसाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से आपने अभी सोनी सोरी का जिक्र किया, क्या वाकई में प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है, एक माहौल बनाने की कोशिश? षड्यंत्र साजिश रची जा रही। जी जी, शुक्रिया जानकारी के लिए। सुनिए आगे।